कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज महालया पर महिषासुर मर्दिनी पाठ के साथ देवी दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है। इधर दुर्गोत्सव को लेकर राज्य भर में तैयारियां जोरों पर है। बाबा नगरी देवघर में भी पूजा पंडालों की साज सज्जा का काम चल रहा है। मूर्तिकार भी माँ दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बाबा नगरी देवघर शिव और शक्ति का स्थल है, ऐसे में यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर खासा उत्साह रहता है और देवी दुर्गा की आराधना बड़े ही धूमधाम से की जाती है। दुर्गा पूजा अब नजदीक है, ऐसे में माँ दुर्गा की मूर्ति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। देवघर के कल्याणपुर में 36 सालों से मूर्ति बना रहे मूर्तिकार बबलू कुमार वर्मा भी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को जीवंत स्वरूप दे रहे हैं। हम 36 साल से लगे हुए हैं, उस समय मतलब स्कूल लाइफ से ही हम मूर्ति बना रहे हैं। उसमें हम 6 क्लास में पढ़ते थे, उसी समय से इसमें लगे हुए हैं। श्री वर्मा ने बताया कि प्रतिमा निर्माण में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार के लिए माँ की प्रतिमा तैयार करना जितना उत्साह भरा होता है, उनकी विदाई की बेला भी काफी भावुक होती है। और माँ जब जाती है तो हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, लगता है स्वयं अपनी माँ जा रही है। लोग तो 10वीं रोज जो है भावुक होते हैं विसर्जन के समय। हम लोग तो जब यहाँ से प्रतिमा उठ के जाता है तो उस समय से ही हम लोग के आँख नम हो जाता है। बाबा नगरी देवघर में इस वर्ष मूर्ति की दर की बात करें तो 30,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की मूर्ति बनाई जा रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।